से इसने खुद को डिस्प्लेस किया है, दैट इज एंडोडर्म, ठीक है, जो हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करके बना है। बाकी इसके साथ यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मीजोडर्म। लेकिन आपने याद रखना है, जिस रीजन में नोटोकॉर्ड होगा वहां पे मीजोडर्म नहीं होता, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ऊपर जो एपिब्लास्टिक सेल्स रह गए हैं वो ऊपर क्या लेयर बना लेते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास क्या है बच्चों, एक्टोडर्म, दरम्यान में क्या है मीजोडर्म, और यहाँ क्या है हमारे पास, दिस इज एंडोडर्म, और दरम्यान में क्या बन चुका हुआ है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड किस तरह से बना है, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स की वजह से बना है। और अगर हम इस डिस्क के अंदर, ये तो इसका एक ऐसे वाला व्यू हो गया ना, अगर हम किसी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है और हम इसको इस तरह उठा के देखेंगे, इस तरह उठा के देखेंगे, तो इसकी लेयर्स में हमें यहाँ पे एक बीच में दरम्यान में अगर कोई कॉर्ड है, ये फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है अगर, तो हमें ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये तो हमने इस तरह से देख लिया, लेकिन हम स्पेसिफिक अगर देखना चाहें कि किस एरिया से किस एरिया तक है, ये दरमियान में तीन लेयर्स के दरमियान इस तरह से कॉर्ड अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक देखना चाहें, स्पेसिफिकली हम देखना चाहें कि इस जो नोटोकॉर्ड है इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, तो ये यहाँ पे होता है, ये जो हमारे पास प्रिमिटिव पिट है, ये जो सेल्स होते हैं ना, जब ये नीचे जाते हैं तो जाहिर है तो हम ऊपर से एक स्किन देख रहे हैं ना, ये सेल्स इससे नीचे भी जाते हैं, यहाँ पे भी नीचे हर तरफ सेल्स ही होते हैं, ठीक है। सो इससे जाके यहाँ पे ये जो कॉर्ड बना है सारा कुछ, ये यहाँ पे अपीयर होता है, जो नोटोकॉर्ड वाली ट्यूब है ना, ये यहाँ अपीयर होती है। सो ये नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रिमिटिव पिट पे प्रेजेंट है, कॉर्डली प्रिमिटिव नोड पे, ठीक है, जो हमारा प्रिमिटिव नोड है उसकी टिप पे। और दूसरी बात है क्रेनियली ये कहाँ तक है, प्री कॉर्डल प्लेट तक है, ठीक है बच्चों। इसलिए ये टर्म समझना आपके लिए ज़रूरी थी कि ये जो नोटोकॉर्ड बना है ये प्री कॉर्डल प्लेट और प्रिमिटिव नोड के दरमियान में बना है, ठीक है। और ये बना कैसे है, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स नीचे गए, अब नीचे भी यहाँ पे सारे सेल्स ही हैं ना, सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है ना, ये सारे सेल्स यहाँ पे भी है, ठीक है। नीचे गया, हाइपोब्लास्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ, जब हाइपोब्लास्ट को एंडोडर्म ने डिस्प्लेस कर दिया तो ये वहाँ से पहले प्लेट की फॉर्म में था, फिर इसने खुद को सॉलिड फॉर्म में कॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट सॉलिड कॉर्ड इज नाउ नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो लेंथन होती है, ये भी लेंथन होता है। अब इस नोटोकॉर्ड का बच्चों पर्पस क्या है, इस नोटोकॉर्ड का पर्पस ये है कि ये हमारे पास न्यूरोलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। न्यूरोलेशन के प्रोसेस का मतलब है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। उसके अलावा ये एक्सियल स्केलेटन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सियल स्केलेटन में आपको पता है हमारे पास क्या है, पीछे वर्टीब्राज भी है, ठीक है। उन वर्टीब्राज के अंदर डिफरेंट डिस्क होती हैं, उस डिस्क के अंदर एक हमारे पास जेली लाइक मटीरियल होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये नोटोकॉर्ड फ्यूचर में जाके वो न्यूक्लियस पल्पोसिस जेली लाइक मटीरियल बनाता है। सो इसकी ये फेट है कि न्यूरोलेशन को स्टार्ट करता है, एक्सियल स्केलेटन की फॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली वर्टीब्रा के अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना वो ये बनाता है, ठीक है बच्चों। जेली लाइक मटीरियल होता है तो ये नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन है। अगर आपकी बुक से आप डायग्राम्स देखें तो ये जो बुक की डायग्राम है कुछ यहाँ पे देखो बच्चों के हमारे पास ये क्या है, पहले नीचे जो है वो उसको हाइपोब्लास्ट लग रहा होता है, ठीक है। सो इस हाइपोब्लास्ट के साथ आके प्लेट की फॉर्म में अटैच हुआ वो होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हाइपोब्लास्ट की जगह क्या आ जाता है, एंडोडर्म, तो ये इस एंडोडर्म से खुद को डी अटैच करने की कोशिश करता है। जब ये खुद को डी अटैच करता है तो ये एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जिस जगह पर है देखो बच्चों, वहाँ पे मीजोडर्म नहीं है, ये मीजोडर्म है, ये नीचे हमारे पास एक्टोडर्म है, ऊपर एंडोडर्म है। सो जिस जगह पर ये न्यूरल नोटोकॉर्ड बनेगा वहाँ पे मीजोडर्म नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पहले ये एक प्लेट की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन जब ये सेल्स आए तो इसने खुद को डी अटैच कर लिया और ये कॉर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। और एक लास्ट पॉइंट है कि न्यूरोएंटेरिक कैनाल क्या होती है बच्चों, तो आपको पता है हमारे पास ये एपिब्लास्टिक सेल्स हैं और इनके नीचे क्या होते हैं, हाइपोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी, और यहाँ हमारे पास नीचे क्या होती है, यॉक्स है। ये एपिब्लास्टिक सेल्स तीन लेयर्स में कन्वर्ट तो हो जाएंगे, वो तो हमने देख लिया, लेकिन इन एपिब्लास्टिक सेल्स के ऊपर ही क्या अपीयर हो रही है, हमने देखा प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव पिट, ठीक है। ये सारी चीज जो है इसके ऊपर ही तो अपीयर हो रही है, वो प्रिमिटिव नोड ना यहाँ पे एक सुराख क्रिएट कर देती है, ठीक है। उस सुराख की वजह से ये जो दोनों कैविटीज हैं इन दोनों के दरमियान कनेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ना, ये ऊपर कैविटी और ये नीचे कैविटी है, ये जो एपिब्लास्टिक सेल्स है ना यहाँ पे दरमियान में एक सुराख क्रिएट हो जाता है टेम्पोरीली, ठीक है। उसकी वजह से एमनियोटिक कैविटी एंड यॉक सैक जो है वो आपस में मैच हो रही होती है, इनका फ्लूड एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। ये दोनों कैविटीज आपस में क्या हो रही होती हैं, आपस में ज्वाइन होती हैं टेम्पोरेरली, ठीक है। ये जो बीच में सुराख क्रिएट हुआ है इसको हम बोलते हैं न्यूरो एंटेरिक कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंटेरिक कैनाल। उसके बाद भी बात कर रहा है कि जो हमारे पास डिस्क अपीयर हो रही है, यहाँ पे क्लॉकल मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाती है इस रीजन की तरफ, और जो है क्लॉकल मेम्ब्रेन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जैसा होता है। जैसे हमने नोटोकॉर्ड की बात की है ना, ये नोटोकॉर्ड में मीजोडर्म नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, ऊपर एक्टोडर्म होगा, नीचे एंडोडर्म होगा, सेम एज होता है ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड क्लॉकल मेम्ब्रेन के लिए, कि इनके दरमियान मीजोडर्म नहीं होता, ऊपर क्या होता है एक्टोडर्म एंड नीचे क्या होता है हमारे पास एंडोडर्म, ठीक है। एंड जो क्लॉकल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है जिसे एलेंटॉइस बोलते हैं, जो पहले वाले
जो हमारे पास ये यॉक सैक होती है ना, पोस्टीरियर यॉक सैक के साथ एक डायवर्टिकुलम अपीयर होता है, उसे एलेंटॉइस बोलते हैं। जो लोअर एनिमल्स थे उनमें ये एलेंटॉइस जो है वो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करता था, रीनल सिस्टम के कुछ प्रोडक्ट्स को स्टोर करता था, जबकि हम में ह्यूमंस में ऐसा जिसका कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, डेवलप जो यूरिनरी ब्लडर की एबनॉर्मैलिटीज़ हैं उनमें इसका जो है वो रोल हो सकता है।